हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे हों, सेफ हो और अपने अपने घर पे हों। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे मैं घर पे ही घी बनाती हूँ। मैं आपने मेरी रेसिपीज में देखा हुआ है कि मैंने पराठा और जो भी कुछ घी का बना हुआ बनता है, मेरे घर का बना हुआ घी से ही बनता है। मैं घर का बना हुआ घी ही यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैंने मलाई ले लिया है। ये मलाई मैं एक महीने से जमा कर रही हूँ, जो दूध आता है उस दूध से। मेरे पास A2 मिल्क मैं लेती हूँ, उस A2 मिल्क का ही ये मलाई है जिसका मैं घी बनाऊँगी। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, मलाई को ऐसे हैंड ब्लेंडर से, इसको आप हाथ से भी कर सकते हैं, अच्छे से ब्लेंड कर लें। इससे क्या होता है कि घी बहुत ही स्मूथ और इसमें कोई लम्स नहीं रहता और बहुत स्मूथ होके निकलता है और घी बहुत अच्छे से निकलता है। तो 3-4 मिनट के लिए इसको अच्छे से ब्लेंड करना। ये अब अच्छे से ब्लेंड हो गया है, फिर इसको आपको गैस में बिठाना है। पहले आप फुल फ्लेम में इसको हल्का हल्का तेल छोड़ने के लिए, घी निकलने के लिए दे दीजिए। ये थोड़ा थोड़ा अभी बॉईल होने शुरू करेगा, अभी गर्म होने के लिए हमें वेट करना है। जो भी आसपास लगा हुआ था उसको मैंने ऐसे करके सब ले लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, धीरे धीरे ये इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है और घी निकलना भी स्टार्ट हो रहा है। तो फिर इसी तरह आपको इसको बॉईल करते रहना है जब तक ना इसमें से घी और घी अलग हो जाए। इस टाइम पे फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दें, अचानक से जब बहुत ज़्यादा उबलने लगेगा तो फिर ये छिपकेगा इधर, तो फिर इसको हल्के हल्के से होने दें, नहीं तो नीचे लग जाएगा। तो बीच बीच में आप करछी चलाते रहें। इसलिए धीरे धीरे इसे घी निकलना स्टार्ट कर दिया है इसमें से। इसको 1-2 मिनट में करछी चलाते रहें, नहीं तो नीचे से चिपक जाएंगे। ये देखिए घी ऑलमोस्ट निकल चुका है। ये ऊपर जो लेयर्स हैं घी है,
ये हमारा घी पूरा बन चुका ही है। ये बस ये इसको खोआ बोलते हैं, इसको और थोड़ा लाल होने दें, फिर हम इसको ठंडा करने के लिए रख दें। ये हमारा घी बन गया है, पूरी तरह रेडी है। अब हम इसको गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसको हम ठंडा होने के बाद ही कंटेनर में डालेंगे। अभी हमारा घी ठंडा हो गया है, इसको अब मैं इस घी के कंटेनर में इसको छन्नी की मदद से छान के डाल दूंगी। ऐसे करके लेना, इसी तरह आप बहुत ही सिंपली घर पे ही घी बना सकते हैं। वैसे तो हम मलाई को ऐसे ही खा लेते हैं या फिर वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसको थोड़े दिनों के लिए जमाते हुए आप अगर घी बनाएंगे तो आप घर पे ही अच्छा सा घी बना सकते हैं और इसको ही यूज़ कर सकते हैं।